स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम साईनाथ कदम है और मैं ट्रिपल आईटी त्रिचुरापल्ली का स्टूडेंट हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीआईटी के अंदर जो फेज टू होने वाला है उसके अंदर चॉइस फिलिंग करना किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फेज वन के अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक की है जिसके चलते बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे सीट अलॉट नहीं हुई है और कहीं ना कहीं बच्चे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको सही ढंग से आपको चॉइस फिलिंग करना किस तरह से ताकि आपको आपके फेज में ही सीट अलॉट हो जाए। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखो, मैंने कुछ बातों का ध्यान दिया है आपको कि करना किस तरह से, क्योंकि यहां पर चॉइस फिलिंग जो होता है, प्रेफरेंस जो होता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी हो सकता है। क्यों यहां वैरी हो सकता है? क्योंकि कुछ बच्चों को कोई और कैंपस चाहिए, किसको जो कैटेगरी अलग अलग होती है, कोई अफोर्ड कर पाता या नहीं कर पाता, तो सारी चीजें आपको ध्यान देना है। तो आपको कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बात को समझना है। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं, ये जो लिस्ट मैंने यहां पर आपको प्रोवाइड की है ये कि आप रेफर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इसी चीज को आपको बनाना है। आप क्या कर सकते हो, आप चीजें आपके हिसाब से आप कम या ज्यादा इसके अंदर ऐड या रिमूव आप कर सकते हो। आपको रिमूव कब करना है, अगर आप मान लो आप कैटेगरी फिफ्थ या फोर्थ अफोर्ड नहीं कर पाते तो आपको क्या करना है, कैटेगरी फोर्थ फिफ्थ यहां निकालना है। अगर आप चाहते हो कि आपको ब्रांच वो नहीं चाहिए, आपको लेना ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप रिमूव कर सकते हो। तो आप पर डिपेंड है कि सारी चीजें आपको किस तरह से फील करना है। उसके बाद ये क्या ये स्टूडेंट डिफर हो सकता है, क्योंकि किसका इंटरेस्ट किसी और इसमें होता है, किसी का और इसमें होता है, तो आपको देखना है। उसके बाद बात करेंगे इंडिविजुअल स्टूडेंट, ये मतलब आपके बजट के हिसाब से आप ले सकते हो, क्योंकि कैटेगरी में कैसा होता है, पैसे आपके अलग अलग लगते हैं, तो आपको इन बातों का आपको बजट का जो है आपकी सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। उसके बाद बात करेंगे आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का, आपको प्रिफरेंस ऑर्डर लगाना किस तरह से चाहिए। मुझे जहां तक लग रहा है कि आपका सबसे पहले प्रिफरेंस होना चाहिए आपका जो वेल्लोर वाला, जो आपका जो वेल्लोर वाला कैंपस है ना, उस चीज़ का आपका प्रिफरेंस पहला होना चाहिए, उसके बाद आपका चेन्नई में। और आपको प्रिफरेंस आप दोनों में कंपेयर करना किस तरह से, आपको क्या करना है, मान लो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको वेल्लोर में अगर आपको पीछे वाली कैटेगरीज मिल रही, पीछे वाली इन द सेंस आपका फोर या फाइव कैटेगरीज अगर मिल रहे हैं आपको, तो आपको क्या करना है, चेन्नई में आपका अगर मान लो आपको सेकंड कैटेगरी में अच्छा कोई अगर आपको ब्रांच मिलता था ऊपर वाला ब्रांच, तो आपको ध्यान देना है। तो मतलब आपका प्रिफर लोअर ब्रांच इन वेल्लोर आपको क्या करना है, और ये भी कर सकते हो, आपको क्या करना है, लोअर ब्रांच अगर मान लो अगर आपको चेन्नई में पीछे वाली कैटेगरीज मिल रही है, पीछे वाली इन द सेंस मान लो फोर्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैटेगरी में अगर आपको अच्छी ब्रांच मिल रही है लेकिन चेन्नई मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, वेल्लोर प्रिफर करना चाहिए, लोअर ब्रांच जो आपका मैकेनिकल हुआ, जो आपका बोल सकते हैं ट्रिपल ई हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं आपका केमिकल हुआ। तो इन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि आप ज़्यादा फीस प्रोवाइड करोगे आप चेन्नई में तो वर्थ इट नहीं है। आपको कहीं ना कहीं अगर वेल्लोर में आप थोड़े से नीचे वाली ब्रांच और कैटेगरी वन में पढ़ते हो तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो यहाँ पर चीज़ें, और दूसरी बात है इफ यू आर कंफर्टेबल विद द फीस, अगर आप फीस के साथ अगर आप कंफर्टेबल हो, आपके अगर आप फीस ज्यादा अफोर्ड कर पाते हो, तो आपको कोशिश करना है कि आप वेल्लोर में ही रिमेन है, क्योंकि वेल्लोर आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद आपका चेन्नई और अमरावती और भोपाल के बारे में तो सोचना ही मत, मैं ऐसा बोलूंगा आपको। आगे बात करेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। हमने यार एक प्लान बनाया हम फ्रेंड सर्कल में मिलकर, आप जो आपका जो भी आप में आसपास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं, चाहे उनका यूट्यूब चैनल हो या फिर कोई इंस्टाग्राम पर पेज आता है या फिर कोई पेंटिंग करता है या फिर कोई ड्राइंग करता है, तो बहुत सारे आपके अंदर क्रिएटिविटी है। आप हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं आसपास, और उनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आसपास के बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते, आपसे पैसे डिमांड करते। तो मैंने एक टास्क लिया यार कि मैं चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो क्रिएटिव है आप हमारे फैमिली से जुड़ जाओ, और आपको क्या करना है, हमें इंस्टाग्राम पर जो मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो, जो आपका जो मिस्टर साय हो इस पर भेज सकते हो, या फिर आप जो आपका ऑफिशियल है हमारा इस पर भेज सकते हो, या फिर जो मेरा जो हमारा यही मेरे फ्रेंड कमिटी में काम करता है अजिंक, इसको भेज सकते हो। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर डीएम करना है कि आप कौन सा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो और आपको किसके लिए सपोर्ट चाहिए, तो हम हमारे चैनल से आपके लिए प्रमोशन करेंगे। आपको कोई भी पैसे नहीं देना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, हम चाहते हैं हमारे आसपास की क्रिएटिविटी सही ढंग से मिल सके, मतलब लोगों जितने भी आसपास है उनको सपोर्ट कर सके, क्योंकि मैंने यार अपने लेवल पर चैनल को ग्रोथ करने में काफी कुछ ज्यादा यहां पे मैंने स्ट्रगल किया। तो मैं चाहता हूं कि आपको भी मैं सपोर्ट करूं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको कुछ चीजें करना नहीं, बस आपको क्या करना है, आपके कंटेंट पर ध्यान देना है, आपको देखना है कि क्या आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है उस कंटेंट पर, तो मैं क्या करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। तो बस आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम करना है आपका जो भी चीज है, आप जिसमें जो भी क्रिएटिविटी करते हो, और इस चीज को हमने नाम दिया यार जो क्रिएटिव कीड़ा जो है आपका, इस चीज को हमने नाम दिया। तो आगे देखेंगे जो आपका आपका जो आपको अभी करना किस तरह से, मतलब आपकी चॉइस फिलिंग करना किस तरह से आपको देना है। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे कुछ चीजें लिखी। सबसे पहले ध्यान देना चाहता हूं कि मैंने नीचे जो पीडीएफ मैंने आपको क्या किया है, आपको लगभग मैंने आपको
लगभग मैंने 84 के आसपास मैंने आपको 85 के आसपास मैंने आपको चॉइसेस दिए, तो आपको क्या करना है 85 जो आपको सारे चॉइसेस फील नहीं करना, इसमें से आप कुछ रिमूव कर सकते हो क्योंकि पर्सन टू पर्सन वैरी होता है कैटेगरी। मैंने 4/5 यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस भी यहाँ इंक्लूड किए, तो आपको क्या करना है रिमूव करना है, ऐड भी कर सकते हो आपके हिसाब से। तो बात करेंगे सबसे पहले और एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैंने यहाँ पे कैटेगरी वन जो आपका वेल्लोर में आप देख रहे हो ना, जो वेल्लोर का मैंने कैटेगरी वन भी यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे ऐड आपको मिलेगा नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेफरेंस यहाँ पे जो बच्चों ने फेज वन वाले बच्चों थे वो तो ऑलरेडी ले चुके, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ब्रांचेस ऐसे हो सकते हैं आपको कैटेगरी टू में मिल सकता है, वन में मिल सकता है, जिसके अंदर वहां पे वैकेंट सीट हो और आपको वहां पे चीजें यहाँ पे ऑलरेडी फील नहीं हो। तो मैंने यहाँ बता दिया जाता हूँ कि ऊपर जो है जहां तक मुझे ऐसा डाटा मिला जो वेल्लोर का CS कैटेगरी 1, 2, 3 ये ऑलरेडी पूरी तरह से फील हो चुकी है, साथ साथ में आपका जो वेल्लोर वाला जो आपका स्पेशलाइजेशन है आपका कैटेगरी 1 और 2 लगभग आपकी फील हो चुकी है, 1 तो पूरी ही फेल हो चुकी है, साथ साथ में 2 भी आपके बहुत कम सीट बचेंगे जो इनकी रैंकिंग पीछे वाली है, मतलब 24,000, 25,000, 30,000, 30 to 35, तो उनको स्पेशलाइजेशन नहीं मिल सकता। उसके बाद बात करेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बच्चों के अंदर जो ये है, इसके अंदर बच्चों को यार कैटेगरी 1 और 2 यहाँ पे ऑल आउट हो चुके हैं, तो बहुत कम वैकेंट सीट है। उसके बाद आपका वेल्लोर में EC एक सीट आपकी बची हुई इसके अंदर, उसके बाद बात करेंगे मैकेनिकल जो आपका वेल्लोर वाला है वो भी चीज़ आपको खत्म होते नजर आएगा, है ना। उसके बाद में मैकेनिकल जो आपका जो चेन्नई में आपका जो CS है वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, उसके बाद आपका जो चेन्नई का स्पेशलाइजेशन है वो भी आपको नहीं मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे इंक्लूड इसलिए किया है कि कहीं ना कहीं अगर आपको कल अगर आपको नजर आता है वो, अगर आपको वहाँ पे अगर बताता है कि वैकेंट सीट है तो आप उस चीज़ को वहाँ पे ले सकते हो, इसलिए आप फील कर सकते। इसलिए मैंने क्या किया उनको भी इंक्लूड इसमें किया है। तो आगे देखेंगे हम आपको क्या करना, सबसे पहले आपका जो वेल्लोर का CS है हालांकि आपको नहीं मिला लेकिन तब भी आपको उसको चीज को ऐड करना है अगर आपको वहां पे वैकेंट बताता है या फिर आप सेलेक्ट कर पाते हो तो। उसके बाद आपका क्या करना चाहिए, डाटा साइंस होना चाहिए, उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैटेगरी 1 में, तो ये चीजें आपकी कैटेगरी 1 में होना चाहिए। ब्लॉकचेन और आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका स्पेशलाइजेशन किस तरह से होना चाहिए, आपका डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, IoT होना चाहिए, ब्लॉकचेन, बिजनेस सिस्टम और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में यार आप सोच सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हो। मैं तो कोशिश करता हूँ इस चीज़ को आपको ड्रॉप ही करना चाहिए यदि आपको अगर इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो। आगे देखेंगे आपको क्या करना है, कैटेगरी 1 होने के बाद आपको डाटा साइंस लेना है कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 2 के अंदर वही आपका 2 होना चाहिए पूरा, आपको ब्लॉकचेन, IoT, आपका बिजनेस सिस्टम जो आपका है सारी चीज़ आपको होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे आपका जो वेल्लोर के अंदर टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए कैटेगरी 2 में, उसके बाद आपको वेल्लोर के अंदर डाटा साइंस लेना चाहिए आपको किस तरह से आपको चीजें आपको करनी है, उसके बाद आपको वेल्लोर के अंदर जो CS है वो IoT कैटेगरी 3 में लेना चाहिए, उसके बाद आपको ब्लॉकचेन सिस्टम बिजनेस 3 के अंदर लेना चाहिए आपको, उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में आपका जो बायोमेडिकल इसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बाद आपका जो रोबोटिक्स है चेन्नई में। तो मैंने यहाँ पे काफी कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप देख सकते हो और मैंने यहाँ 40 आपको 84 चॉइसेस दिए आपको, आपका धीरे धीरे आपको चीज़ को देख सकते हो तो मैंने किस तरह से किया, वीडियो को पॉज कर सकते हो। अगर आपके कोई भी अगर डाउट हो इस चीज को लेकर तो आपको क्या करना है इंस्टाग्राम पर हमें DM करना है या फिर आपको क्या करना है टेलीग्राम, अगर आपको PDF अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, उसके अंदर मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा। और तब भी अगर आपको दिक्कत है और कोई चॉइस फिलिंग करने में तो आपको क्या करना है हमें डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, आपको DM कर आपको मैं नंबर बता दूंगा। उसके बाद बात करेंगे आगे जो यार भोपाल का, कहीं ना कहीं बच्चे बहुत से पूछ रहे हैं यार कि मुझे क्या मिलेगा। आप बहुत सारे बच्चों को बता देना चाहता हूं यार कि आप प्रेडिक्ट मत करो मतलब कि क्या मिलने वाला, क्योंकि इस बार काफी कुछ चीजें यहां पे चेंज हुई है जिसके चलते आपको सही ढंग से हम कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता पाता। और आप भी ऐसा बिल्कुल मत करो कि वही चॉइस फील करना है या किसी ने बताया हुआ वही जो, आपको क्या करना है राइट फ्रॉम आपको फर्स्ट से पूरी तरह से फील करना है, जो भी यहाँ पे दिए सारी चीजों को आपको देखना है और जो आपको नहीं लिखना है या फिर आप जो प्रिफर नहीं कर पाते उस चीज को आपको क्या करना है यहां से रिमूव कर देना है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही बताना था, यदि आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो बस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, लेकिन यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे यार वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि एक PDF बनाने के लिए या फिर एक डाटा बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, उम्मीद है आप समझ सकते हो। और इसके बारे में जरूर बताना यार बच्चों को आपके फ्रेंड सर्कल में, जो हमने क्रिएटिव कीड़ा का जो टास्क लिए है उसके बारे में जरूर बताना। तो बस यार बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।